रेलवे एनटीपीसी करोड़ों छात्रों के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह अगर आपने रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 के लिए आवेदन किया है तो दोस्तों फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। जी हां दोस्तों, ई एडमिट कार्ड अब जल्दी जारी होने वाले और अप्लीकेशन स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, जहां से आप इस बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी बुक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2019 CBT 1 एग्जाम डेट लाइव अपडेट आप सभी के लिए आई है। आरआरबी एनटीपीसी CBT फर्स्ट एग्जाम के लिए आप अपने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई है। या दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी, लाइव अपडेट जारी हो चुका है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जल्दी आरआरबी एनटीपीसी के CBT फर्स्ट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जहाँ दोस्तों जिन कैंडिडेट का फॉर्म एक्सेप्टेड किया गया उन सभी अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी होगा और जिनका फॉर्म रिजेक्टेड किया गया उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर आपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस अभी तक चेक नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जहां से सभी 21 बोर्ड के कैंडिडेट सिंगल क्लिक से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन स्टेटस आपका जारी हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, जहां से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।